हेलो बच्चों, आज हम मैथ्स क्लास सेवेंथ के हिंदी मीडियम का, ठीक है ना, एक्सरसाइज लेकर आए हैं। एक्सरसाइज चल रही है हमारी 2.2। एक्सरसाइज में हमारी 2.2 और हमने 9th क्वेश्चन तक क्या कर लिए थे, क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा, के 3/4 की किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 5/12 प्राप्त हो। तो माना कि x से गुणा किया जाए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि x से गुणा किया जाए, ठीक है ना। माना कि x से गुणा किया जाए तो किसको करना है, 13/14 का। तो यहाँ पे हल लिखेंगे आप प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे। फिर यहाँ पे 13/14 को हम x से गुणा कर रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है हमको, 5/12 हमको प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या प्राप्त हो रहा है हमको, 5/12 हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों डिवाइड में हैं और इक्वल के दोनों साइड हैं, तो ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं। तो ये 2 से कटेगा तो 7 आएगा और यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर अगर हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमको इसको यहाँ पर ले जाना पड़ेगा और इसको यहाँ पर ले जाना पड़ेगा। तो x की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो हमको 3 इसके अपॉन में लाना पड़ेगा और 7 को यहाँ ले जाना, तो 5 × 7 और 3 × 6। तो इन सब का मल्टीप्लाई क्या होगा, 7×5 = 35 और 3×6 = 18। अब यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर क्या नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब कि भाग नहीं जा रहा है, इसलिए इनका क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आंसर हमारा आ जाएगा 35/18 से अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो 5/12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो किस संख्या से गुणा किया जाए, कि x से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, तो x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखेंगे, 35/18 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, माना कि x से गुणा किया जाए, फिर आपको x से गुणा कर देना है, उस साइड उस नंबर को लिख देना है, उस संख्या को लिख देना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा था तो हमने डिवाइड कर लिया। फिर इस x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको उस साइड ले जाएंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे, तो ये अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि ये 7 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, उस टाइप से 35/18 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि माइनस के 35/6 को किस संख्या से भाग करें कि भागफल माइनस के 15/2 प्राप्त हो जाए। तो माना कि x से भाग दिया जाए, माना कि x से भाग दिया जाए, किससे भाग दिया जाए, x से भाग दिया जाए। तो x संख्या से हम क्या देंगे, भाग देंगे, तो यहाँ पर माइनस के, अब यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, और यहां से माइनस का 35/6 को हम x से भाग देंगे तो जो हमारा भागफल आएगा वो 15/2 आएगा, क्या आएगा, 15/2। तो यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1 को ऊपर ले जाएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है ना। तो माइनस का 35/6 ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा और माइनस के 15/2 हो जाएगा, 2, 3 या 6, ठीक है ना। और 5 × 15 और 5 × 7 = 35। तो हमको x की वैल्यू निकालनी है तो इसको इस साइड ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 7 बचेगा और यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 तरह के कितने हो जाएंगे, 9x/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7/9। तो हमको किस संख्या से भाग देना चाहिए, हमको 7/9 से भाग देंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा हमारा क्या, तो किस संख्या से भाग देना चाहिए, तो x की वैल्यू आई 7/9, हमको 7/9 से भाग देना चाहिए, इससे कि हमारा जो भागफल आएगा वो माइनस के 15/2 आएगा। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमारा कि 17/5 मीटर कपड़े का मूल इतना है तो 1 मीटर कपड़े का मूल कितना होगा।
यहाँ पर दिया है कि 17 बटे 5 मीटर कपड़े का मूल्य इतना दिया, 17 मीटर कपड़े का मूल्य कितना दिया है, 65 / 1/2 है, 1/2 है। तो हमको निकालना क्या है, हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है 1 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर कपड़े का मूल्य हमको क्या करना है, फाइंड करना है, मतलब कि ज्ञात करना है। फिर हम प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्नानुसार क्या करेंगे कि 17/5 मीटर अगर कपड़े का मूल्य ये दिया है तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 17/5 का जो मूल दिया है, तो 17/5 कपड़े का मूल कितना दिया है, कपड़े का मूल्य यहाँ पर दिया है हमको 65 सही, तो 65 × 2 = 130 और 1 = 31, 65 × 2 = 130 और 1 = 31/2 दिया है 131, ठीक है ना। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य जो होगा ना, इसको डिवाइड कर देंगे इससे 131/2 और ये डिवाइड होकर यहाँ आएगा और ये उल्टा हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई भी चला जाएगा। इसको अगर हम इसके डिवाइड में ले जाएंगे तो डिवाइड भी चला जाएगा, मतलब कि इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो 17/5 होगा, और 17/5 को उल्टा कर देंगे हम तो गुणा में चला जाएगा, मतलब कि 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 17 कहाँ चला जाएगा नीचे, ठीक है ना। तो 1 मीटर जो कपड़े का मूल्य होगा वो होगा हमारा, अब ये कट तो है नहीं ना, ठीक है ना, तो 17 × 17 नहीं कट रहा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, 17 × 34 और 5 × 5 15 × 5 हंसला में 5 × 5 = 6, तो 9/34 हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर निकल कर आएगा, क्योंकि इसको मैं किसमें बदल दूंगा, इसको मैं मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर दूंगा, तो इस टाइप से जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 19/9/34। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि दिया है 17/5 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है, तो हमको ज्ञात क्या करना है, एक कपड़े का मूल्य प्रश्नानुसार 17/5 कपड़े का मूल्य क्या दिया है, 131/2, फिर हमको एक कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है, तो इसको डिवाइड में ले जाएंगे और डिवाइड के बाद इसको उल्टा कर देंगे, मतलब कि मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, फिर इन सबका क्या कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब गुणा कर लेंगे, गुणा करने पर ये आ जाएगा और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो आंसर ये आ जाएगा, आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है हमारा 13 क्या है कि दो परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है वो -1 है, यदि एक -21/8 है तो दूसरी संख्या याद कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -1 दिया है, और क्या किया है, और एक संख्या क्या है, एक संख्या क्या दी है हमको, -21/8 दी है, क्या दी है, 21/8 है, तो हमको दूसरी फाइंड करना है, तो माना कि दूसरी संख्या क्या होगी, माना कि दूसरी संख्या x होगी, हमने ये मान लिया कि जो दूसरी संख्या होगी वो x होगी, ठीक है ना। क्या मान लिया, माना कि जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी, x होगी, ठीक है ना। तो अब प्रश्नानुसार करेंगे, किसके अनुसार चलेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, क्या दिया है कि -21/8 × x, क्योंकि गुणनफल कह रहा है और कितना कह रहा है, -1, सबसे पहले तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल,
तो जो x की वैल्यू आएगी इसको उस साइड ले जाके कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8/21। तो इस टाइप से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8/21, दैट इज आंसर, ठीक है ना। मतलब कि करना कुछ नहीं है, x की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो आपको इसको उस साइड ले जाना पड़ेगा, और जब आप इसको उस साइड ले जाओगे तो ये डिवाइड में आएगा, डिवाइड के बाद इसको उल्टा कर देंगे तो ये किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए 8/21 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से 13वां क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 14। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसके साथ ही एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल ये है, यदि इनमें से एक संख्या ये है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, क्योंकि इसी जैसा मैंने क्वेश्चन आपको 13 कराया, मतलब कि आपको 13वां क्वेश्चन कराया, तो उसको आपको देखना है और उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो उस जैसे ही आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को आपको, सॉरी जो 14वां क्वेश्चन है उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप 13 क्वेश्चन को एक बार वीडियो रिपीट करके देखिएगा, और उसको समझने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 14 क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज थी 2.2 सेवेंथ क्लास की हिंदी मीडियम की, वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जो है हमारा थर्ड चैप्टर परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, तो उसका हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, ठीक है ना, इसी भी थर्ड चैप्टर, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।